दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्रिकेट के इतिहास की घटना को देखने वाले हैं जो कि 146 साल में पहली बार ये घटना हुआ है। वर्ल्ड कप का मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हो रहा था हिंदी में। क्रिकेट के इतिहास के 146 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। संदीरा समर के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन उनका हेलमेट जो है उसका स्ट्रैप साइड टूटा हुआ था। तो ठीक वो 2 मिनट में पहुंच चुके थे, लेकिन वो हेलमेट लाने वगैरह गए तो उनको थोड़ा 2 मिनट से ज़्यादा लेट हो गया। तो बांग्लादेश के कप्तान ने शकीबुल हसन ने अपील की और अंपायर का फैसला आउट दिया गया। और उन्होंने एक बार फिर से पूछा भी गया कि शकीबुल हसन से, क्या आप ये डिसीजन जो है चेंज करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि क्रिकेट का नियम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग जो है शकीबुल हसन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बहुत कम लोग जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से ऐसा क्या ये सही है या गलत है? आप नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। देखिए, मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो क्रिकेट एक नियमों के तहत चलता है, लेकिन अगर इंसानियत के रूप में देखा जाए तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि उनका हेलमेट जो है सही नहीं था, इसलिए लेट हो चुके थे। लेकिन क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो ये क्रिकेट एक हार जीत का गेम होता है, जिसमें सामने वाली टीम चाहती है वो कैसे भी जीते और दूसरे सामने वाले सब अपनी जीत के पीछे लगे हुए होते हैं। तो वैसे ही होता है, एक नॉन स्ट्राइक और एंड आउट किया जाता है। जो नॉन स्ट्राइक और एंड पे होते उनको भी कई बार आउट किया जाता है, वो भी नियम के तहत आउट दिया जाता है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं क्रिकेट में जो कि आपको निराश कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो बोलूँगा कि ये नियम ही नहीं होना चाहिए, या फिर नियम ये होना चाहिए कि अगर कोई लेट करके आ रहा है खेलने के लिए, आउट नहीं करके उसको बैठा दिया जाए, आइए और लास्ट में सबसे उतरिएगा, आप डिक्लेयर दिया जाए। लेकिन बांग्लादेश ने एक क्रिकेट के इतिहास बना दिया है, कैसे घटना करके।